आप सभी को नमस्कार बच्चों। बच्चों आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित अर्धवार्षिक आंकलन। सितंबर 2023 में जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपकी तैयारी के लिए है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, दी गई परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमारे पास जो बच्चों पहला प्रश्न है, कोई भी परिमेय संख्याएं दी गई हैं दो, तो उनके बीच में हम असंख्या या अपरिमित परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो इसमें अपरिमित आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रैखिक समीकरण 3x बराबर 2x जमा 18 का हल क्या आएगा। तो इसका हल आएगा बच्चों, जैसे आपके पास ये है 3x जमा 2x, तो इसमें 2x जो है इधर चला जाएगा, तो ये आएगा 3x माइनस 2x और बराबर आ जाएगा 18। तो ये 3x में से 2x जो है x आ जाएगा, 1x रह जाएगा बराबर 18। तो आपके पास x का मान जो है 18 आ जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका 18 आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसमें देखिए क्या कह रहा है ये कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जो पूर्ण वर्ग नहीं है बच्चों, इसमें ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी है और ये भी है, बस इसमें ये जो 1000 आया है जो, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि जिसमें लास्ट में 3 जीरो होती है ना, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती, पूर्ण घन हो सकती है वो। ठीक है, तो ये 1000 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर आपका चौथा प्रश्न है बच्चों, -8/-3 है जो, तो इसमें क्या आएगा, इसका योज्य प्रतिलोम निकालना, यानी इसमें हम क्या जोड़ें कि 0 आंसर आए। तो इसमें पहले तो ये माइनस और माइनस जो है प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगी 8/3। तो 8/3 जो है जमा का है, इसका योज्य प्रतिलोम माइनस में आएगा, तो ये -8/3 आपका आंसर आएगा। योज्य प्रतिलोम कितना आएगा, -8/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पांचवा क्वेश्चन है जो आपके पास, एक पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल जो होता है 540 होता है बच्चों। पंचभुज के अंतः यानी पंचभुज होती है जो, उसके अंदर के जो कोण होंगे 5, ये वाला कोण है जैसे ये, ये, ये और ये, इन पांचों कोणों का योग 540 होता है बच्चों, याद रखें। फिर छठा प्रश्न है, किस चतुर्भुज की भुजाएं का केवल एक युग्म समांतर होता है। तो जो हमारे पास समलंब होती है ना बच्चों, समलंब में दो भुजाएं तो समांतर होती हैं, दो असमांतर होती हैं। ठीक है, तो समलंब में एक युग्म जो है ये समांतर भुजाओं का है, तो आपका आंसर आएगा समलंब। क्या आएगा, समलंब आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का माप कितना होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों के माप का योग जो होता है बच्चों 360 होता है। कोई भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी बहुभुज है, उसके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 ही होता है। फिर प्रश्न 8 है बच्चों, 6 का घन कितना है। 6 का घन का मतलब है बच्चों, आपके पास 6 × 6 × 6, तो ये आ जाएगा 6 × 6 = 36। 36 को 6 से गुणा करना है हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 36 × 6 = 36, 6 × 18 = 21, तो 216 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा, 216। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, प्रश्न 9 है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 1/5 को किस से गुणा करें। तो जब हम 1/5 को 5 से गुणा करते हैं बच्चों, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो 1 बचता है, तो आपके पास आंसर जो है 5 आएगा। इसमें 5 जो है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है बच्चों, 5 है, तो इसका आंसर 5 आएगा। फिर 10वां प्रश्न है बच्चों आपके पास, कौन सा आलेख जो है संपूर्ण और उसके भागों को दर्शाता है। तो इसमें
जो वृत्त चित्र है, वृत्त आलेख जो है ये इसका आंसर आएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों 11वां, सभी आयत वर्ग होते हैं, तो सभी आयत जो होते हैं वर्ग नहीं होते बच्चों, ये असत्य आएगा। फिर 12वां प्रश्न है 73 के वर्ग में इकाई का अंक 9 होगा, तो 73 में इकाई का अंक कितना है बच्चों, 73 में 3 है इकाई का अंक, तो 3 का वर्ग जो होता है 9 होता है, तो इसलिए इसका इकाई का अंक 9 आएगा, ये सही है, सत्य है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है आपके पास 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 3/0 एक परिमेय संख्या है, तो आपने याद रखना है किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं हो सकता, तो इसमें किसी भी संख्या में इकाई का अंक जो नीचे होगा, हर संख्या जो होगी वो 0 नहीं होगा, तो ये असत्य है बच्चों, इसका आंसर असत्य बनना है अपने। आगे है आपका प्रश्न नंबर 14 बच्चों, इसमें ये क्या कह रहा है कि 4489 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो जो 89 का वर्गमूल है, जो इसका वर्गमूल आता है बच्चों 67, तो 67 में 67 में 2 अंक हैं, तो इसके में अंकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। फिर द 1000 का घनमूल 15वां प्रश्न है, आगे है आपका प्रश्न नंबर 15 है, इसमें देख लेते हैं क्या कहता है ये प्रश्न नंबर 15 में क्या कह रहा है कि 1000 का घनमूल क्या है। 1000 जो होता है बच्चों वो होता है 10^3, यानी 10 × 10 × 10, तो इसका घनमूल जब निकालना होता है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो 10 रह जाता है, तो 1000 का घनमूल जो है वो 10 आएगा, आपका आंसर कितना आएगा 10। फिर अगला प्रश्न है आपके पास 16वां, तो इसको कर लेते हैं, इसमें देखिए, तो इसमें देखिए आपके पास प्रश्न 16 है ये, इसमें कह रहा था कि किसी संख्या के 5 × 3 जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना है बच्चों, माना संख्या बराबर x मान ली हमने, ठीक है, संख्या की ये कह रहा है x के 5 × यानी संख्या के 5 × 3 जोड़ने पर हमें 18 मिलता है, तो हमने हमारी ये समीकरण आ गया, तो ये आ जाएगा 5x × 5 का मतलब होता है 5x, और ये 3 जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 5x = 18 − 3, तो 5x = 18 में से 3 जब घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, और फिर x का मान निकालेंगे तो 15 ये 5 है नीचे चला जाएगा, तो x = 15/5, तो 15 को 5 से भाग देंगे तो 3 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 16 करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहा है कि एक समबहुभुज है, इसका बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 15 हों, तो हमें पता है जो हमारा समबहुभुज होता है उसके बाह्य कोणों का कुल योग 360 होता है, कितना होता है 360, तो इसको हमने 15 से भाग देना है, किससे भाग देना है 15 से, तो जब 15 से भाग देंगे तो ये 15 × 30 और फिर 15 × 60 यानी 24 डिग्री उसका एक बाह्य कोण आएगा, कितना आएगा 24 डिग्री का कोण आएगा उसका बाह्य कोण। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में क्या करना था बच्चों, ये कह रहा है कि एक थैले में 4 लाल गेंदे हैं और 2 पीली गेंदे हैं, तो थैले के अंदर से एक गेंद निकालनी है बिना देखे, तो लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कर लेते हैं देखिए। तो इसमें देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास कुल गेंद दी गई है 6 गेंद, तो हम लिख लेंगे कुल गेंद 6 हैं और लाल गेंदें कितनी हैं बच्चों, लाल गेंद हैं ये देखो 4 हैं, तो लाल गेंद 4 लिख ली, क्योंकि लाल गेंद की हमने प्रायिकता निकालनी है, तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, जो लाल गेंदे हैं उनकी संख्या 4/ कुल संख्या, कुल गेंदे 6 हैं, तो 4/6 आ जाएगा, तो 4/6 को जब हम 2 पे काटते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 4 × 2 = 6, तो 2/3 जो है आपका आंसर आएगा इसका क्वेश्चन का, ठीक है। तो
तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या करना है बच्चों, पहले तो हमने जो 243 है उसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो ये 3 पे जाएगा, 81 आ जाएगा, 81 को 3 से भाग देंगे 27, फिर 9 और 3, तो हमारे पास ये जो हैं क्या आ जाएंगे, इनके गुणनखंड आ जाएंगे। तो हमने 243 को लिख लिया 3 गुणा 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3, तो ये 5 जो है 3 बार आ गए हैं। तो हमने जब भी पूर्ण घन करना है तो हमने 3-3 के ग्रुप बनाने हैं। तो एक ग्रुप तो देखो पूरा बन गया, दूसरे ग्रुप में हमारे पास 2-3 हैं, तो 1-3 की हमें और ज़रूरत है, तो हमें इस 3 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 से गुणा करेंगे हम, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास ये है, यानी ये कह रहा था कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाए, तो वो 3 है आपका आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 20वां प्रश्न है। तो इसमें देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्या कह रहा है, इसमें था कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात है 3:2। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप हमें निकालना था, तो इसने कोणों का अनुपात दिया है 3:2, तो आसन कोण आ जाएंगे इसके, इनके साथ एक्स लगाना है हमने, 3x + 2x, यानी 3x और 2x आसन कोण होंगे, तो उनको जोड़ के 180 डिग्री होता है। तो 3x + 2x 180 हो गया, फिर 3x और 2x जो है दोनों को जोड़ के 5x आएगा हमारे पास, क्या आएगा, 5x = 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे x जो है ये 5 जो x के साथ लगा है, इसको 180 को 5 से भाग देंगे तो 36 डिग्री x आ जाएगा। अब हमारे पास कोण जो हैं कौन कौन से हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 3x था तो 36 को 3 से गुणा करके 108 एक कोण आ गया, और 36 को 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2x था, तो x का मान 36 रखा तो 72 आ गया। तो हमारे पास कोण जो आएंगे 108 आएगा, 72 और 108 और 72, तो ये कोण आ जाएंगे समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए इसको हमने सॉल्व करना है, हल करना है, हल का मतलब है कि a का मान निकालना है कितना होगा। तो उसके लिए हमें देखिए 3a - 3 है, तो 3 को a से भी गुणा करना है तो 3a आ गया, फिर 3 को ही 3 से भी गुणा करना है तो -9, ऐसे ही 5 को 2a से तो 10a आ जाएगा गुणा करके, 5 को 1 से भी गुणा करना है तो 5 आ जाएगा। अब जो a वाले हैं जो हमने एक साइड कर लिए, तो 3a - 10a आ गया, और बिना a वाले दूसरी साइड चले गए तो जो 9 था माइनस का, ये दूसरी साइड जाके प्लस का 9 हो जाता है, तो ये -7a आ जाएगा। कितना है ये, -7a कितना आएगा बच्चों, -7a = 14 आ जाएगा आपके पास। तो फिर -7 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 14/-7 हो जाएगा, तो a का मान जो है -2 आपका आंसर आएगा, -2। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है हमारे पास 22वां प्रश्न है, देखिए। तो ये 22वें प्रश्न में क्या कहता है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं और इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, तो इसके लिए कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता होगी ताकि काम पूरा हो सके। अब देखो माली के पास हैं 1000 पौधे, कितने पौधे हैं बच्चों, 1000 पौधे। तो अगर माली को पौधे लगाने हैं तो उसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यानी जो 1000 संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या बननी चाहिए। तो हम 1000 में क्या ऐड करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 का घनमूल निकालने और वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो ये जैसे 1000 हमने लिखा है यहाँ पे, तो इसमें देखिए हमने दो दो के पेयर बना लिए 10 और ये 20 इधर, तो ये 3 पे गया पहले, तो 3 * 9 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो 10 में से 9 गए 1 आ गया और ये 100 आ गया।
अब हमने इसको देखा कि ये 124 होना चाहिए, यानी 100 की जगह पे क्या आना चाहिए, 124। तो हमें 1000 में अगर 24 और ऐड कर दें तो ये लिखा हुआ है 1000 पूर्ण वर्ग संख्या बनने से 24 कम है, तो इसलिए हमें 24 पौधों की और आवश्यकता है, जिससे जो 1024 संख्या होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या बनेगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, तो इसलिए माली को 24 पौधों की आवश्यकता है। बच्चों तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।